इस बार आम चुनाव में दो सीटों से ताल ठोक रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अमेठी से भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। जी हां, राहुल गांधी के नामांकन के दौरान उनके साथ यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहे। आपको बता दें, अमेठी में उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगा। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। यूपी में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी से राहुल गांधी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल ने अमेठी में रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान अमेठी में समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी ने भी जगह जगह रुककर कांग्रेस समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2004 से लेकर अब तक लगातार अमेठी की जनता ने संसद तक पहुंचाया है, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 1,07,903 वोटों से मात दी थी, लेकिन इस बार स्मृति भी फुल फॉर्म में नजर आ रही है। इसके पहले दो चुनावों में कांग्रेस अध्यक्ष की जीत का अंतर 2 से 4 लाख वोटों का होता था, जो 2014 में सिमट कर 1 लाख पर आ पहुंचा। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार टक्कर कांटे की होगी। पिछले चुनाव में मोदी की तरह इस बार राहुल गांधी भी दो दो सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राहुल इस बार अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी बार बार ये कहकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करती रही है कि राहुल को अमेठी से हार का डर सता रहा है, इसलिए राहुल ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिहाज से अमेठी के साथ वायनाड का भी रुख किया है। मैंने अभी आते आते पढ़ा, व्हाट्सएप पर आ रहा था, राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है, तो वहां पर केरल के अंदर जाकर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके आधार पर विजेता बनने चाहते हैं। राहुल बाबा कहीं पर भी घूम लो। देखना अहम होगा कि दोनों सीटों से मिलेगा जीत का ताज या दोनों पर होगी मात, बचा पाएंगे अपना गढ़ या जीतेंगे वायनाड करण। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस समय राहुल गांधी जी नामांकन करके कलेक्ट्रेट से निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि उनके साथ हजारों का हुजूम जो साथ था नामांकन में, वो भी अब पलायन कर चुका है कलेक्ट्रेट से। सबसे पहले राहुल की मां सोनिया गांधी जी निकली, उसके बाद राहुल गांधी अब यहां से निकल चुके हैं अमेठी से। प्राइम टीवी के लिए राजकुमार जायसवाल के साथ अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।